एक 10 मिनट का या 5 मिनट का रिकैप दें पूरे चैप्टर का, क्योंकि आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक। हाँ, तो चैप्टर था आप लोगों सबको पता है कॉस्ट, इतना हार्ड चैप्टर भी नहीं है, सिंपल चैप्टर है अगर तमीज में पढ़ो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो फिर डिफिकल्ट लगेगा चैप्टर ये, ठीक है ना। अदरवाइज स्टार्टिंग से एक एक चीज पढ़ रहे हो सही से, तो फिर कोई भी चैप्टर हार्ड है ही नहीं, कोई भी हार्ड नहीं है चैप्टर, ठीक है ना। सबसे पहले कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, प्राइस पेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो रेंट किसको जाता है, लैंड को, ठीक है। लेबर को क्या जाती है, वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे। तो प्राइस पेड टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुंदर बोलनी है देखो ये बात, तभी याद होंगी, चुपचाप बैठे गुड रहोगे ना तो दिक्कत हो आफ्टरनून। जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ओवर फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ओवर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट की मैं बात करूं तो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। इट रिमेन्स, हाँ, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। अच्छा, उसके बाद ये फिक्स रहती है, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इनकर होती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन करी जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बात बताई थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट इज के अपोजिट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउट इनकर्ड ओवर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इनकर की जाती है, एंड जी लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी गुड। इट इज इनवर्स एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरी गुड। यार एक को जरा और लिंक सेंड करते हैं आज, स्तुति भी उस पर ज्वाइन करेगी। कार्तिक आवाज आ रही है, हेलो, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, एडिशन मेड टू दी टोटल कॉस्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ, नहीं, हाँ, प्रोडक्शन बोलो, प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। चलो यहाँ पे अगर एक बात निकल के आई है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आज आपको भी क्लियर हो जाएगी। इसको कनेक्ट करा नहीं, मैं उस पर पेन चला रहा हूँ, मैं ना पेन क्यों नहीं चला रहा हूँ। सुनो भाई, सामने देखो, मैं कह रहा हूँ, मुझे पहले बताओ व्हाट इज एमयू। ना ना, अरे फॉर्मूला नहीं, पहले मुझे डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन मेड टू दी टोटल आउटपुट। कहां से आ गया यार, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी किसकी वजह से, ड्यू टू, वेरी गुड, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी हम बोलते थे भैया एम यू इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा सी, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो बात करते हैं, आ गया एमपी। What do you mean by MP? Marginal production है ना, addition made to the total production due to unemployment, due to employment of an additional unit of variable factor. यानी total production के अंदर जितना addition हो रहा है एक labor और लगाने की वजह से, correct है। चलो what is marginal cost? It is the addition made to the total cost or total variable cost due to production of an additional unit of output, very good. यानी delta TC upon delta Q, कहने का मतलब है ये ऊपर वाली तो बात सेम ही रहती है, देखो सब जगह है ना, बट मेन बात है हमें इस पे ध्यान रखना है, ये ऊपर जो चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे तो एक यूनिट और कंज्यूम करने की वजह से आ रहा है, यहाँ पे एक लेबर और लगाने की वजह से आ रहा है, यहाँ पे एक यूनिट आउटपुट और प्रोड्यूस करने की वजह से आ रहा है। अच्छा, ऐसे मैं पूछूं आपसे व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू अभी जो आज पढ़ाऊंगा, तो अब आप खुद बता सकते हो उसको, बताओ जल्दी से। इट इज दी एडिशन मेड टू दी ड्यू टू रेवेन्यू, किसकी वजह से आता है आपके पास, किसकी वजह से आएगा, बेचने की वजह से, वेरी गुड, ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट।
ठीक है, एक यूनिट आउटपुट और सेल करने की वजह से जो आपके रेवेन्यू में एडिशन है, मार्जिनल रेवेन्यू। कहने का मतलब है, रटना कर दो बंद, समझना कर दो स्टार्ट, ठीक है। तो यानी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हो रहा है एक यूनिट और कंज्यूम करने की वजह से, मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन में जो, क्यों टोटल प्रोडक्शन में क्यों एडिशन होगा, लेबर बढ़ा के, तो टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशन हो रहा है एक लेबर और लगाने की वजह से, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, खर्चा कब बढ़ेगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, टोटल कॉस्ट में जो क्या हो रहा है एडिशन, एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की वजह से। मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन हो रहा है एक यूनिट और बेचने की वजह से। समझ में आ गई बात, क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना। तो मार्जिनल कॉस्ट, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद समझा भी दिया था वाई वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसे होता है, वाई इट इज यू शेप, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट, AC is equal to TC upon Q। ये भी क्या होती है, यू शेप। Why it is यू शेप, वो मैंने बता दिया था, आज मैं उसी पे आऊंगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बेसिस ऑफ AFC एंड बेसिस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, इट कैन नेवर बी जीरो, इट इज नेवर नेगेटिव एंड इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट इज द कॉस्ट ऑफ produce variable cost of producing per unit of output, u shaped because of law of variable proportion। but ek question hai mera aapse, theek hai, initially average fixed cost and average variable cost both decreases, correct hai, but after reaching its minimum point average variable cost starts rising and its rise becomes greater than the dash fall of dash AFC, uske fall se bada ho jata hai, ye baat dhyan rakhna, theek hai। uske baad aate hain explicit cost pe, what is explicit cost, accounting cost which is reflected in the books of accounts, shown in the books of accounts, mentioned in the books of account, theek hai, which is directly paid to the hired factors of production, theek hai। implicit ki agar hum baat kare, dekho implicit humne dusre wale uske andar le liya tha, yahan se likh liya tha, implicit cost ki agar hum baat kare, jaldi batao, it is the cost which is not paid directly to the hired factors of production, rather it is the cost of self employed and own occupied factors of production, it is not mentioned in the books of accounts, theek hai। to money value of own labor is ka example hai। फिर मैंने आपको समझाया भी था, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करा दिया था, ध्यान है आपको, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉस्ट थी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस व्हिच हैव बीन फॉरगॉन। उसके बाद हम सीधा किस पे आ गए थे, न्यूमेरिकल्स पे, ये फॉर्मूले, ये उनके स्टेप्स थे। फिर हमने क्या करे, देखो सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लिया, मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स आ गए हैं सबको, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा दूंगा, दोबारा भी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें, देखो नहीं आए ना तो मैंने क्लासेस ड्राइव पे डाल रखी हैं, उनको जाके आराम से न्यूमेरिकल की क्लासेस चुपचाप तमीज से देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात, पहले उनको देखो जो न्यूमेरिकल कराए हुए हैं वो करो, फिर भी नहीं आते फिर बिठाल के यहाँ कराऊंगा, समझ में आ गई बात, बट पहले उनको अटेम्प्ट तो करो। उसके बाद आता है रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप मुझे बताओ, दो दो तीन वैसे पढ़ी हमने एसी और एमसी की। अगर एसी और एमसी की बात करें तो इनिशियली मुझे पता है, देखो मार्जिनल कॉस्ट नीचे किसके, एवरेज कॉस्ट के, अगर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट देन बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर डिक्रीजिंग। फिर मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कट करा फ्रॉम बिलो, जहां पे कट करा वहां पे एमसी इज इक्वल टू एसी, कट करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट देखो ऊपर आ गई और एवरेज कॉस्ट नीचे चली गई, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट देन बोथ इंक्रीजेस। बट देयर इज अ सिचुएशन व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग बट मार्जिनल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेगमेंट पी पी वन, ठीक है। फिर ऐसी हमारे पास किसकी आई रिलेशनशिप, एसी एमसी और एबीसी की सेम रिलेशनशिप थी, ठीक है। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज एक क्वेश्चन भी और लिख पाऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो आज आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद एक ऐसी रिलेशनशिप थी टीसी वीसी और एफसी की, ये भी मैंने करा दी थी आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं किस पे आ गया था, क्वेश्चन जो हमारा पीछे रह गया था, क्वेश्चन क्या था, वाई एवरेज कॉस्ट इज यू शिफ्ट। तो देखो मैंने आपसे पहले बोला है शॉर्ट रन के अंदर कोई भी एवरेज कोई भी कॉस्ट पूछे आपसे तो आप उसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल, बट फिक्स कॉस्ट को छोड़ के, फिक्स कॉस्ट को मत बोल देना बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिक्स कॉस्ट को बोलना बिकॉज इट रिमेन्स फिक्स्ड ऑल एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां मत बोलने लगना, कोई पूछा व्हाई फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप बोलो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नहीं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, ये ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ एएफसी समझ में आ गया था, ठीक है, इनिशियली बोथ डिक्रीजेस तो एसी ऑल्सो डिक्रीजेस, आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट एबीसी स्टार्ट्स राइजिंग and its rise becomes greater than the fall in AFC, it pulls AC up and therefore average cost curve is U-shaped। यहाँ तक करा दिया था, एक लास्ट बात करा देता हूँ, basis of reserve capacity, ज़्यादा important नहीं है, लिखवा दिया था तो करा रहा हूँ, लिखो जल्दी से।
लिखो, इन क्लासिकल, इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स द एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, एज देर इज या देर वॉज भी लग सकते हो, नो रिजर्व रिजर्व कैपेसिटी, देर वॉज नो रिजर्व कैपेसिटी टू मीट दी टू मीट द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, टू मीट द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड. ठीक है, लिखो. बट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बट इसका डायग्राम बनेंगे दो बड़े बड़े. बट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स द एवरेज कॉस्ट कर्व इज द एवरेज कॉस्ट कर्व इज सॉसर शेप्ड, सॉसर SAUCER, सॉसर शेप्ड. सॉसर क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड. कप के नीचे जो प्लेट होती है, वैसे बोल को भी सॉसर बोला जाता है, बोल्स वगैरह होते हैं हाँ, उनको सॉसर बोला जाता है, कप एंड सॉसर बोलते हैं ना जैसे. ठीक है, द एवरेज कॉस्ट कर्व इज सॉसर शेप्ड एज एज वी मेंटेन, एज वी मेंटेन रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी टू मीट, ये भी लिख लो बात, टू मीट द सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस इन डिमांड, सीजनल वेरिएशंस इन डिमांड, सीजनल वेरिएशंस इन डिमांड. ठीक है, अब जरा समझ लो, कोई बहुत हार्ड बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता अगर अच्छे से हमें समझ में आ जाए, वही वाली हम यहाँ पे बात होने वाली. सामने देखो, पहली बात तो रिजर्व कैपेसिटी होती क्या है. सब छोड़ो, कैपेसिटी वगैरह छोड़ो, पहले मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व. अकाउंट्स के टर्म में बताओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. कंटिंजेंसीज के लिए, फ्यूचर कंटिंजेंसीज के लिए. हाँ भी ऑनलाइन, व्हाट इज रिजर्व पता है सबको? हाँ भैया. कार्तिक यार, इनकी आवाज ही नहीं आती, फिर थोड़ी देर बाद. हेलो हेलो, अब बोलो कार्तिक. हेलो हेलो भैया, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो हेलो, कार्तिक आ रही है, बोलो भाई. व्हाट इज रिजर्व? बचत. क्या आ रहा है, तुम्हारी आवाज आ रही है भाई, बोलो भैया. बचत. बचत, बचत तो सेविंग, बचत तो सेविंग होती है. रिजर्व पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, अकाउंट्स में बताओ ना, अकाउंट्स पढ़ते हो? स्टोर नहीं, एक होता अच्छा प्रोविजंस, प्रोविजंस होते हैं. प्रोविजन क्या होता है? नॉन कंटिंजेंसी, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो मेरे को पता है, मेरे को पता है ऑलरेडी कि कुछ लोग हैं जो मेरे पैसे लेके भाग जाएंगे, तो उनके लिए मैंने पहले से क्या बना लिया? प्रोविजन बना लिया भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो मुझे पता था, रिजर्व में हमें पता नहीं होता फ्यूचर में कोई ऐसी कोरोना आ गया कैसे संभालूंगा, पहले से मेरे पास क्या होना चाहिए, रिजर्व बना के चलूं मैं. तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठा के साइड में रख देते हैं. और मैं पूछू भाई, यही क्यों रखा भाई? फ्यूचर में कोई इमरजेंसी अराइज हो गई कंपनी को लेके, तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो इसलिए वो यूज कर सकते हैं, रिजर्व इसलिए होता है. तो फ्यूचर कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब होता है अननोन लायबिलिटी,
जिसको हमें हमें पता नहीं है, कुछ भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, बट प्रोविजन किसके बनाए हैं? नोन लाइबिलिटीज के लिए. समझ में आ गई बात? नोन है ऑलरेडी. जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब चीज देखो पहले बोल देना फॉर किसके लिए बना रहे हैं, हमें पता है वो चीज होगी तो उसके लिए हम पहले से पैसा जोड़ लेते हैं वो प्रोविजन. जब हमें पता नहीं है क्या होने वाला फ्यूचर में, उसके लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? रिजर्व. अब देखो मैंने भी यहाँ पे वर्ड यूज करा है रिजर्व, ठीक है. तो रिजर्व क्या, पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, पुराने जमाने की बात करूं, तो बेटा क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम रिजर्व विजर्व मेंटेन करते थे. अब आप बोलोगे भैया क्यों मेंटेन नहीं करते थे रिजर्व? बेटा रिजर्व इसलिए मेंटेन नहीं करते थे क्योंकि पुराने टाइम में इतनी इतनी ज्यादा डायनेमिक नहीं थी डिमांड. डायनेमिक का मतलब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती थी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, ठीक है. वहां के फैक्टर्स अलग थे, तो डिमांड में इतने ज्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं होते थे जिस तरीके से आज होते हैं. आज तो मिनट मिनट पे होते हैं. ओला देख रहा हूँ अभी प्राइस इतने बढ़ गए, फिर थोड़ा देखा प्राइस कम हो गए, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से तो चेंज हो रहा है. आजकल तो इतने ज्यादा सीजनल वेरिएशन है डिमांड के अंदर कि हमें क्या मेंटेन करनी पड़ती है? रिजर्व कैपेसिटी. अब आप बोलो भैया डिमांड और रिजर्व कैपेसिटी का क्या लेना देना? सामने देखो पूरी बात समझा रहा हूँ, पहले भी सर मैंने रिजर्व एक्सप्लेन करा. अब सामने देखो मैं कह रहा हूँ बेटा पुराने जमाने में, आप मेरे से पूछो सर पुराने जमाने में कॉस्ट कर्व कैसा बनता था, तो मैं बोलूंगा बेटा जो यू शेप आप पढ़ रहे हो ना, यू शेप, ये पुराने जमाने की बात पढ़ रहे हो. एवरेज कॉस्ट कर्व पुराने जमाने में कैसा बनता था बताओ भाई? यू शेप्ड, क्योंकि उस टाइम हम कोई रिजर्व मेंटेन नहीं करते थे. तो आप बोलोगे सर रिजर्व मेंटेन करने के बाद आज जब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? रिजर्व. तो हमारा कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा? सामने देखो आज हम मेंटेन करते हैं रिजर्व कैपेसिटी. क्या मेंटेन करते हैं बोलो? रिजर्व कैपेसिटी. तो बेटा हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, जरा ढंग से देखना, वैसा बनता है. अब मुझे बताओ इसकी शेप कैसी लग रही है आपको? थोड़ी टब, मतलब वो तो मैंने बनाया, सॉसर बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? सॉसर. क्या बोलते हैं? सॉसर शेप. अब आप बोलो भैया ये बीच में क्या आपने, ये क्या करा है बीच में? तो मैं बोलूंगा ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बना रहा हूँ अब, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, यही है क्या बताओ? रिजर्व कैपेसिटी. क्या ये बताओ भाई? रिजर्व कैपेसिटी. देखो आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ मैं बात, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी. अब आप बोलो भैया इससे फायदा क्या हुआ और अब हमने क्यों मेंटेन करी? मैं कह रहा हूँ बेटा पुराने जमाने में क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, किसमें? क्लासिकल का मतलब पुराने टाइम में, डिमांड इतनी डायनेमिक नहीं होती थी, इतनी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज नहीं आते थे. जब फ्रीक्वेंट चेंज नहीं आ रहे तो मेरे को प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मैं रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन नहीं करता था. और आजकल डिमांड में इतनी जल्दी फ्लक्चुएशन आते हैं, सीजनल वेरिएशन हो जाते हैं डिमांड के अंदर, कि मेरे को रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन करनी पड़ती है. अब बोलो भैया क्यों, उससे क्या फायदा हो रहा है? सामने देखो मैं कह रहा हूँ फायदा ये हो रहा है, किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके खर्चे ना बढ़े, और खर्चों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट. ध्यान रखना जितनी भी कॉस्ट पढ़ाई है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है? एवरेज कॉस्ट. कोई भी कॉस्ट मैनेजर या कॉस्ट अकाउंटेंट किसी कंपनी के अंदर, उसको इसलिए बिठाया जाता है कि तेरे को सैलरी हम इस वजह से दे रहे हैं कॉस्ट ना बढ़ जाए कंपनी के अंदर, किसी भी चीज को लेके क्या ना बढ़े? कॉस्ट. और कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, ये किसी कंपनी का टारगेट रहता है. सही तो बात है, खर्चा ना बढ़े. अच्छा मुझे बताओ प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ा सकते हो आप किसी कंपनी का, या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या कॉस्ट को कम करो. दो ही तो तरीके हैं, तीसरा तरीका तो नहीं है, ठीक है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉस्ट को बढ़ने नहीं देंगे. अब देखना ढंग से, मैं कह रहा हूँ मैं ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, कितना बताओ जल्दी, और मेरा खर्चा कितना आ रहा था इस पे बताओ? ये आ रहा था एसी, यहाँ तक आ रहा था, दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये खर्चा आ रहा था. अगर मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा था, ये लेवल ऑफ आउटपुट. मार्केट से एकदम से डिमांड आई, ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि सीजनल वेरिएशन हो जाती है मार्केट के अंदर डिमांड में, है ना, तो मेरे को आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा. हाँ या ना जल्दी बताओ, डिमांड आ रही है आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ बताओ डिमांड कितनी आई यहाँ तक ओक्यू वन तक, तो मेरे को आउटपुट आज कितना करना पड़ेगा? इतना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. अगर मैंने क्या मेंटेन कर रखी है, तो मैं इस लेवल ऑफ आउटपुट को भी किससे पता प्रोड्यूस कर सकता हूँ? इससे, इससे, ठीक है, सेम कॉस्ट आएगी मेरी. अब आप बोलो भाई सेम खर्चा क्यों आएगा? क्योंकि मैं पैसा कहाँ से निकाल लूंगा, जो मैंने क्या लगा बना रखा है? रिजर्व बना रखा. तो मेरी एवरेज कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अपने पैसे हमने तो सेव इसलिए कर रखे थे कि कोई सीजनल वेरिएशन आएगी डिमांड के अंदर, तो हाँ. अभी देखो इधर दिखाऊंगा, यहाँ इधर रिजर्व नहीं है, अब यहाँ पे भी आऊंगा, ठीक है, यहाँ आ रहा हूँ मैं. अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो हमारी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दिख रहा है आपको, आउटपुट बढ़ा बट कॉस्ट हमारी सेम रहे. ये कहाँ की बात करो? मॉडर्न, आजकल ही ऐसा होता है. तो आजकल यू शेप नहीं बनता, आजकल कैसे बनता है एवरेज कॉस्ट? सॉसर शेप. बट पुराने टाइम से कैसे बनता आ रहा है? यू शेप. अब मैं कह रहा हूँ मेरे को ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो इस पर मेरी एवरेज कॉस्ट इतनी आ रही है,
ये इतनी मेरे खर्चा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को, ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने। बट एकदम से मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा आ गई तो मेरे को आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूँ, मैं ओक्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बताओ क्या होगा? वो जो भी सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है वो, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? तो एक बार बताओ, यहाँ पे पहुंच गए तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? बताओ भाई, एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। तो इसलिए आजकल हम क्या मेंटेन करके रखते हैं बताओ? रिजर्व के पैसे, ताकि हमारी एवरेज कॉस्ट कंट्रोल में रहे। समझ में आ गई बात? समझो, देखो चीजों को रटो मत, समझ लो बात, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट कैसे बढ़ी? इधर एवरेज कॉस्ट, वो कह रहा है लोन लेके, लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी आपका क्या है? एक खर्चा। खर्चा बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है? अपना पैसा यूज करोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता क्या? नहीं। तो देखो इसलिए खर्चा नहीं बढ़ा। इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा क्लासिकल इकोनॉमी, क्लासिकल में वो कॉन्सेप्ट ठीक था। वो कॉन्सेप्ट क्यों ठीक था क्लासिकल के अंदर? क्योंकि उस टाइम डिमांड इतनी डायनेमिक नहीं थी, इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं। बट आजकल तो डिमांड बहुत ज्यादा डायनेमिक, इसलिए हमें रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन करनी पड़ी। तो बेसिस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी पे एक रीजन है, ठीक है, कि अगर आप रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन नहीं करते तो आपका एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगी? यू शेयर। मगर मेंटेन कर ली तो सॉफ्ट शेयर। कुछ पूछ रहे थे? पूछो, नहीं पूछ रहे? समझ में आ गया? कहाँ पे घट रहे? क्या कहाँ कहाँ बताओ कहाँ? ये स्टार्टिंग में, ये जो डिक्रीज हो रही है एवरेज कॉस्ट, तो ये तो इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है बताओ? यहाँ पे हम अपने फिक्स फैक्टर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं ना अभी। समझ रहे मेरी बात को? और जब तक अंडर यूटिलाइज करते रहोगे, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, तब तक आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। फुल्ली यूटिलाइज इस दिन करने लगोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट उस दिन मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है? ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूज करोगे, आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? मिनिमाइज। बट अगर ओवर यूटिलाइज करने लगोगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगी। समझ गए मेरी बात को? यह है, वो तो अलग चीज है वो, ठीक है? बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आप क्या बढ़ाओगे? प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। बट कब बढ़ेगी? फुल कैपेसिटी के बाद, ठीक है? ऑप्टिमम कैपेसिटी, हाँ। मशीनरी ब्रेकडाउन होंगे यार, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और लिख लो जल्दी से, चलो बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। कार्तिक समझ में आया बेटा? हम ही आ रहे, ठीक है? हाँ, पर लेबर पे खर्चा जो लग रहा है वो तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं इसके अंदर। भैया, हाँ बेटा, भैया मेरी डेट शीट आ गई थी, 24 को था मेरा यूटी। यूटी 24 को था, मतलब नवंबर, मतलब 24 को है, 24 को है, 24 को है, ये यूटी है, है ना? हाँ, यूटी थी। क्या क्या आ रहा है जरा बताओ। भैया बता रहा हूँ, बताओ कार्तिक। भैया बता रहा हूँ, भैया स्टैटिस्टिक्स में तो आ रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन माइक्रो में लॉ ऑफ सप्लाई और फंक्शन मार्केट। दोबारा बताओ, दोबारा। भैया स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन और माइक्रो में आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्यों? बस लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी दे दिया इन्होंने। हाँ अच्छा, चलो करा देंगे। इसके बाद तो आज रेवेन्यू देख लो कहाँ तक हो जाएगा। वैसे एक डेढ़ क्लास के रेवेन्यू चैप्टर टॉपिक है बल्कि वो, ठीक है? उसके बाद मैं वैसे भी डिस्पर्जन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि सबके स्कूल में डिस्पर्जन चल रहा है, तो डिस्पर्जन कराने में ही फायदा है, ठीक है? तो मैं डिस्पर्जन स्टार्ट कराऊंगा कल की क्लास से। बना लिया सब ने? तो कॉस्ट कम, कॉस्ट नहीं दे रहे क्या? नहीं भैया, कॉस्ट नहीं दे रहे। और प्रोडक्शन? प्रोडक्शन भी नहीं दे रहे। मर्जी से भाई सब चीज कर चल रही है स्कूलों में, जिसका जो मन कर रहा है वो दे रहा है। हाँ वही तो, मैं जिसका जो मन कर रहा है वो दे रहा है,
आपका जैसे वो आ रहा है डिस्पर्जन कोरिलेशन, इधर डिस्पर्जन और ना ये दिया सिलेबस से मतलब नहीं चैप्टर कौन से, वो सीधे सप्लाई दे रहे हैं और एंड वाले सबसे एंड का चैप्टर उठा के फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे दिया, ये चल रहा है भाई। अभी इसलिए तो मैं 11 नहीं पढ़ाता था पहले, परेशान हो जाओ भाई किसी का कुछ, किसी भैया हमारा ही आ रहा है, भैया हमारा ही आ रहा है, 12th में सब होता ही नहीं है चक्कर। ठीक है बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी लिख के खत्म करो, ठीक है बात ही खत्म, अब खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन है लिखो, आपको आंसर इसका पता है, लिखो वाई द डिफरेंस, वाई द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस डिक्रीजेस, हाँ, विद इंक्रीज इन आउटपुट, विद इंक्रीज इन आउटपुट। With increase in output, why the difference between average cost and average variable cost decreases with increase in output? हाँ भाई, question का मतलब तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने समझा दिया था पहले। मैं बोल रहा हूँ average cost का और average variable cost के बीच का जो difference है ना, यही तो मतलब हुआ। Average cost और average variable cost के बीच का जो क्या है difference? ये क्यों decrease होता है output के increase होने पे, है ना? तो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का difference होता क्या है? AFC. समझ रहे हो बात को? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है जल्दी बताओ? और AFC always decreases with increase in output. समझ में आ गया? AFC हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है आउटपुट के इंक्रीज होने पे। अब ऐसा क्यों है? सामने देखो जरा, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब, अभी एक सामने देखो जरा, एवरेज बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम बेटा, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, तीन कॉस्ट बनानी पड़ेंगी हमें एक ही डायग्राम के अंदर। बस ये डायग्राम और देख लो, ठीक है? मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी? सुंदर, वेरी गुड। तो उसको कहाँ बनाऊंगा? सबसे ऊपर। ये तो याद है ना सबको बात, ये मान लो एवरेज कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो छोटी है तो नीचे बनेगी, है ना? कैसे बताई थी मैंने? ऐसे यू, वो भी यू शेप बनती, ध्यान है? ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या होता जा रहा है बताओ? कम होता जा रहा है। फिर मैंने पूछा, यही तो क्वेश्चन है, व्हाई द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। देखो छोटा होता जा रहा है ना, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये होता क्या बताओ? ए एफ सी। अब ए एफ सी का कर्व कैसे बनता है? एफ सी का कर्व बनता है रेक्टेंगुलर, बताओ भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे बनता है। ये हमारा ए एफ सी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो दिख रहा है, ये यही है जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है? और देखो ये क्या होता जा रहा है बताओ? डिक्रीज होता जा रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? सिर्फ डायग्राम बना लो जल्दी, ऐसी बना लो जैसे मैंने बनाया। आकाश कहाँ है? कार्तिक, समझ में आई बात ये? हाँ भैया। हो गया? आगे देखो भैया, एक मिनट, अभी बनाने मैंने डायग्राम। बनाओ बनाओ, चैप्टर यहाँ पे खत्म, चैप्टर खत्म होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर खत्म हो गया भाई, ये टेंशन दी चैप्टर भी एक, ठीक है? अब इसको ढंग से पढ़ लेना, रिवाइज करो प्रोडक्शन को और कॉस्ट को, भले ये टीचर्स अभी पूछ नहीं रहे क्योंकि जब पूछेंगे तो सारे क्वेश्चन इधर से पूछेंगे, समझ रहे हो? और मैंने पहले बोला है उनका ये पोर्शन वीक है सारे टीचर्स का, इन सब का, तो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इसको, ठीक है? तो अभी जैसे इनके क्या दे रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे दिया लास्ट वाला उठा के, इनको लगा होगा सबसे सिंपल तो सप्लाई है, सप्लाई उठा लो पूछ लो बच्चों से, ठीक है? बट ये तो पूछना पड़ेगा इनको, ये इसको तो छोड़ ही नहीं सकते,
और जब पूछेंगे तब आपको ये आता हुआ होगा। तो आप पहले बताओ ना, डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करो, दो चैप्टर को, प्रोडक्शन को और कॉस्ट को अच्छे से, ठीक है? हेडिंग डालो जल्दी से, बातें ज्यादा। हाँ चैप्टर नहीं, टॉपिक ही है, ठीक है? रेवेन्यू, रेवेन्यू, हम तो सीक्वेंस क्यों ब्रेक करें अपना, रेवेन्यू, ठीक है? लिखो, इट इज द टोटल टोटल प्रोसीड्स, इट इज द टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ From the sale of total output, total output, full stop. इस revenue को total revenue भी लिख सकते हो, एक ही बात है हमारे लिए, revenue और total revenue, चाहे मैं revenue बोलूं चाहे मैं total revenue बोलूं, एक ही बात है, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे लिख के और करके लिखो, bullet point change. लिखो, इट इज दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? पता सबको, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ पर यूनिट प्राइस एंड हाँ क्वांटिटी सोल्ड, लिख लो क्वांटिटी सोल्ड। देखो इम्पोर्टेंट है सोल्ड वर्ड, कहीं पे प्रोड्यूस आता है, कहीं पे क्वांटिटी सोल्ड आता है। रेवेन्यू में हमेशा कब आपके पास पैसा कब आएगा? जब सेल होगी चीजें, है ना? ठीक, अब सामने देखो भाई, टोटल रेवेन्यू क्या है? चैप्टर रेवेन्यू स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक, किस चीज में? एक तो वर्ड है हमारा रेवेन्यू और दूसरा वर्ड है प्रॉफिट, ठीक है? ऐसा है या नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो या नहीं? अब नहीं हो, पहले तो रहते हो गए, है ना, कि कहीं कहीं आप प्रॉफिट को रेवेन्यू भी बोल देते थे, और है ना, और रेवेन्यू को प्रॉफिट, प्रॉफिट को रेवेन्यू, इंटरचेंजेबली हम यूज करते थे, बट बेटा दोनों का मीनिंग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया था रेवेन्यू क्या होता है, जो मैंने सामान बेचा और उससे मेरे पास पैसा आया, सिर्फ क्या ये रेवेन्यू, क्या ये रेवेन्यू। मान लो मैंने सामान बेचा, मेरे पास पैसे आ गए 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए आ गए, ये क्या है? ये मेरा भी रेवेन्यू है, क्या है मेरा रेवेन्यू, ये मेरा प्रॉफिट नहीं। बट बेटा जो सामान मैंने बेचा उसको बनाने में खर्चा कितना आया था वो भी तो देख लो। मैं कह रहा हूँ मेरा खर्चा आया था 4,000 रुपए, कितना आया था? 4,000 रुपए। अब ये 6,000 रुपए जो बच रहा है ये क्या है? ये है प्रॉफिट। दोनों में सब डिफरेंस समझ में आया है? तो प्रॉफिट क्या होता है? जब हम रेवेन्यू में से क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसिस नहीं, कॉस्ट बोलो, यहाँ पर क्या बोलो, कॉस्ट, खर्चा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अलग है और रेवेन्यू अलग। अब रेवेन्यू की बात करो, ध्यान रखना, प्रॉफिट की बात अभी नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात हम करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर। कहाँ करेंगे? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे? रेवेन्यू। क्या बात समझ में आ गई? यानी इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है, कॉस्ट इंक्लूडेड है, समझ में आ गई बात? ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू जब भी हमने क्या बेचा, अपना टोटल आउटपुट बेचा, उसको बेच के, देखो सेल करा ना, टोटल आउटपुट बेचा और उसको बेच के जो मेरे पास टोटल प्रोसीड्स मतलब पैसा आया, वो सारा का सारा मेरा क्या, बताओ भाई, टोटल रेवेन्यू। क्या है मेरा? टोटल। अब मेन बात, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो मैंने लिखवाया इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। किस चीज का? पर यूनिट प्राइस, दैट इज पी, और क्वांटिटी सोल्ड का, दैट इज क्यू। यानी मुझे बताओ टी आर इज इक्वल्स टू व्हाट? टी आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। ये भी नीचे लिख लो जल्दी से, इंटू क्यू, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बेटा मैं पेन बनाता हूँ, पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपए, और मैं उसकी, मैंने क्वांटिटी कितनी सेल करी, चलो 200 ले लेते हैं 200 यूनिट्स मैंने उसकी सेल करी, तो बताओ मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? 2000। ये 2000 क्या है? टोटल रेवेन्यू। क्या ये टोटल रेवेन्यू? बात समझ में आ गई, तो मुझे लगता है टोटल रेवेन्यू आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब टोटल रेवेन्यू का ये बात तो मैंने बता दी, कर्व कैसे बनता है ढंग से देखना सामने,
शेड्यूल वेड्यूल की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है वही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे बताओ, टी आर, वेरी गुड, किससे रिलेट कर रहे हैं, क्वांटिटी से, वेरी गुड, ठीक है। टी आर पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। यार मुझे पूरा कंप्लीट करने दो यार एक बार, ठीक है, अपने आप तो मैं सारी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर फाइनली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सेम टीपी की तरह। अब मेरे यही तो क्वेश्चन आपसे, व्हाई इट इज सिमिलर लाइक टू टीपी, टीपी की तरह क्यों है ये? आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, चलो यहाँ पे साइड में टीपी भी बना दूंगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन कर रहे हो घर में रखने के लिए सामान को, हैं बेचने के लिए ना, तो ऑब्वियस बेसिक अजम्पशन क्या है, आपका प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, और आपका प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग, और अगर आपका प्रोडक्शन कम हो गया तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इस बात के अंदर, बहुत सिंपल है बात तो, ठीक है। तो बेटा इट इज सिमिलर लाइक टू टीपी, तो मैं कभी पूछूं आपसे व्हाई टी आर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग फाइनल डिक्रीजेस, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो सारी चीजें किससे रिलेट करती हैं, उस लॉ से, लॉ ऑफ वेरिएबल, इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैंने लिख दिया था स्टार बना के 6 नंबर का पहली, ठीक है, ध्यान रखना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बट ये जो मैंने कर्व बनाया है ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन में है। अब मैंने ये क्या बोला, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे मसाला डालना चाहिए ना, एक साथ नहीं डालना चाहिए। बेटा आप पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्या आएगा चैप्टर, जो इस कार्तिक का भी आ रहा है, ठीक है, आपका आएगा कभी, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आपको 4 मार्केट पढ़ने हैं। पहला है पीसी मार्केट, नाउ व्हाट इज पीसी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसके बाद आप पढ़ोगे मोनोपोली मार्केट, कौन सा मार्केट, मोनोपोली मार्केट। उसके बाद आप पढ़ोगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक। उसके बाद लास्ट आप पढ़ोगे ऑलिगोपोली। कोरोना के नए नए वेरिएंट्स हैं ये एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है, ऑलिगोपोली। अब जरा ढंग से सुनो, बच्चों को नाम बड़ा अच्छा लगता है, इसको बोलने मजा आता है। तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू कर्व अलग बनता है, ठीक है, इनमें अलग बनता है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो यानी टोटल रेवेन्यू कर्व अलग अलग मार्केट में अलग अलग बनता है, बट जनरल कर्व कैसा बनता है, जनरल, वो ये मैंने आपको बता दिया एज पर दी ना ना लॉ बताओ, एज पर दी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको टी आर का कर्व क्या इन मार्केट में भी पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, हाँ ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। तो यानी ये जो चैप्टर है रेवेन्यू, क्या ये हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा, हाँ, कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, ध्यान रखना इस बात को, पहली बता रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, और वहां पे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपको टोटल रेवेन्यू क्लियर है, ठीक है, डायग्राम बनाओ जल्दी, कार्तिक समझ में आ रहा है, हाँ भैया, स्तुति, हाँ भैया, ओके, बना लिया है, इन डालो, हाँ को शॉर्ट पे क्या बोलेंगे हम, एमआर। क्या डेफिनेशन लिख के दिखा सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू की, टू दी, हाँ, इट इज द एडिशन मेड टू दी टोटल रेवेन्यू, किस में एडिशन हो रही है तो बताओ पहले, इट इज द एडिशन मेड टू दी, इसमें जो ऊपर पढ़ के आया टोटल रेवेन्यू, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट या क्वांटिटी, ठीक है, लिखो जल्दी से,
ड्यू टू सेल लिखना ऑफ एन एडिशनल एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका? वेरी गुड. एम आर इज इक्वल्स टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, इसका कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व कैसे बनेगा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा? वेरी वेरी गुड, ये तो पूछना चाह रहा था मैं. ठीक है, जल्दी बना लो फास्ट. बट ये जो हम कर्व बना रहे हैं, कौन से कर्व हैं ये? एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे लो एम आर और यहाँ पे लो क्यू. ठीक है भाई, नेगेटिव में भी जा सकता है. हो गया ना साइलेंट? ठीक है, ठीक है. उसके बाद लिखो एवरेज रेवेन्यू. इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है एवरेज रेवेन्यू, जो कि आज की क्लास में हो नहीं पाएगा. हाँ ठीक है, तो इसको हम करेंगे कल की क्लास में. एक यूनिट जो बेच रहे हो उससे जो आ रहा है आपके पास रेवेन्यू, तो इट इज द रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एन पर यूनिट ऑफ आउटपुट. समझ में आ गया? पर यूनिट ऑफ आउटपुट बेच के